हरियाणा के नू में हिंसा की जांच अब चल रही है। इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शोभा यात्रा के आयोजकों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि आयोजकों ने स्थानीय प्रशासन को भीड़ को लेकर सही जानकारी नहीं दी थी, जिसकी वजह से हालात बिगड़े थे। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया, कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बना कर रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर उड़ने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। क्या प्री प्लान के कोई इनपुट मिल रहे हैं कि ऐसा प्री प्लान था इस तरह का? देखिए, इनपुट्स अलग अलग तरीके के आए हैं। वहाँ पर नगेंद्र बिजारनिया जो SP बिहानी थे, उनको डिप्लॉय कर दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही हर पहलू को, और जैसे ही उसका निष्कर्ष आएगा वो भी आपके सामने। अभी के हालात क्या है सर? पीसफुल। वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशेंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहाँ पर भेज दी गई है। पहले जब कल हिंसा शुरू हुई तो नू के साथ लगते जिलों से, फरीदाबाद से, पलवल से, गुड़गांव से, झज्जर से, रिवाड़ी से अधिकारियों सहित हमने फोर्स वहाँ पर भेज दी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी वहाँ पर फोर्स भेज रहे हैं। मैंने यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से भी बात की थी और हमें 20 कंपनियां वहां से उन्होंने उपलब्ध करा दी उनको डिप्लॉय करने के लिए। अगर हमें कहीं से आवश्यकता पड़े और दूर के इलाके से उनको एयरलिफ्ट भी करना पड़े तो एयरफोर्स को भी स्टैंड बाई रहने के लिए कह दिया गया है कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम। अब वहाँ पर कुछ कंपनियां पहुंच गई हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।